हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं क्यों एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर में कुछ आने वाले इवेंट्स एंड अपडेट्स एंड बंडल्स के बारे में। एंड गाइस, नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल्स एंड डायमंड रॉयल बंडल भी बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा है, बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर सेट कर देना ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पर। तो गाइस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि यार कुछ दिनों से मैंने अपडेट नहीं करी वीडियोस, कोई भी वीडियो नहीं डाली। तो यार गाइस, मैंने अपनी कम्युनिटी टैब पे डाला था कि यार रिसेंटली मेरी आंटी एक्सपायर हो गई थी कोविड की वजह से, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था लीक्स एंड अपडेट्स ढूंढने का और उन्हें वेरीफाई करने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार वीडियो नहीं डालना बेटर है, इससे अच्छा गलत चीज़ें मैं आपको बता दूँ, तो इसलिए मैंने वीडियोस नहीं डाली। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिल चुका है मुझे और हो सकता है गाइस बीच में इन फ्यूचर कुछ वीडियोस फिर से स्किप कर दूँ मैं, क्योंकि आपको पता ही है यार थोड़ा सा घर का माहौल है। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहना, बहुत ही जल्द वापस से रेगुलर वीडियोस आने लग जाएंगी। तो गाइस, सबसे पहले कुछ आइटम्स की बात करने वाले जो गेम के अंदर हमें जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, कुछ दिनों में हमारा एलाइट पास अपडेट होने वाला है और एलाइट पास जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो हमें एलाइट पास की चीज़ें टॉप ऑफ रिवॉर्ड में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले ग्रेनेड की स्किन आ रही है जो कि हमारे नेक्स्ट एलाइट पास की थीम पर है। और देख सकते हो आप लोग, मुझे पहले ऐसा लगा था कि ये ग्रेनेड की स्किन हमारा प्री ऑर्डर होगा, बट प्री ऑर्डर हमारे को सपोर्ट दे दिया गया। बाकी ग्रेनेड की स्किन भी कोई बुरी नहीं है गाइस, बहुत अच्छी ग्रेनेड की स्किन लगी है मुझे। और देख सकते हो आप लोग, पूरी कंप्लीटली हमारे सेकंड एलाइट पास जो अभी आने वाला है उसकी थीम पर ही है। तो हमें उस एलाइट पास के टाइम ड्यूरेशन के बीच में ये किसी इवेंट वगैरह में या हो सकता है टॉप अप में देखने को मिल जाए। हम कैसे भी एलाइट पास ही नहीं है गाइस, एक लूट बॉक्स देख सकते हो आप लोग, ये घोड़े वाला लूट बॉक्स है। ये लूट बॉक्स भी गाइस हमारे नेक्स्ट एलाइट पास की ही थीम का होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली ये लूट बॉक्स वगैरह तो हमें टॉप ऑफ रिवॉर्ड में देखने को मिलेगा किसी अदर टॉप ऑफ रिवॉर्ड में, मतलब 100 डायमंड या एक डायमंड में तो कुछ आता नहीं है, 100 डायमंड में ही देखने को मिलेगा हमें लूट बॉक्स। और उसी के साथ साथ गाइस एक बंदर वाला बैकपैक भी है और ये बैकपैक भी हमें मोस्ट प्रोबेबली टॉप ऑफ रिवॉर्ड में ही देखने को मिलेगा। बहुत टाइम से आई थिंक सो बैकपैक की स्किन नहीं आई है टॉप ऑफ रिवॉर्ड में। बाकी देखने में बहुत ही ज़्यादा कूल है बैकपैक, देख सकते हो आप लोग, मुझे बैकपैक पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और देख सकते हो अगर टॉप ऑफ रिवॉर्ड में आएगा तो आप चाहो तो निकाल सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, मुझे पर्सनली बैकपैक बहुत ही कूल लगा। सो गाइस, रिसेंटली एक इवेंट में एक बंडल आया था मेल का जो कि बहुत ही कूल लुकिंग था, ये वाला जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइस, इसी बंडल पे हमें एक मेले वेपन की स्किन देखने को मिलने वाली है, देख सकते हो आप लोग। ये वेपन का नाम क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं बिल्कुल आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। बाकी मुझे बिल्कुल नहीं पता यार ये वेपन का नाम क्या, बाकी स्किन बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही है, देख सकते हो आप लोग, बंडल से कम्प्लीटली मैच खा रही है और बहुत ही ऑसम लग रही है। तो ये जो वेपन की स्किन है ना गाइस, ये भी बहुत ही जल्द हमें गेम के अंदर देखने को मिल जाएगी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी मिल जाएगी देखने का। और वैसे आपको पता ही है कि सेम थी मतलब थीम की चीज़ें जल्दी गेम के अंदर आ जाती हैं। हो सकता है गाइस हमें कुछ सेपरेट इवेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि गाइस एक लीक अलग ये भी आ रहा है कि हैकर स्टोर आ सकता है हमारे इंडियन बच्चे, ये हमें हैकर स्टोर में देखने को मिल जाए। बट गाइस, इसके लिए मैं अभी 100% श्योर नहीं हूँ, कुछ भी अपडेट नहीं आया, बस छोटा सा एक लीक आया था जिसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि हैकर स्टोर आने के चांसेस है, बाकी अभी कोई डिटेल में न्यूज़ नहीं आई है। तो अब चलते हैं हमारे मैजिक क्यूब स्टोर की तरफ। क्या मैजिक क्यूब स्टोर में हमें नेक्स्ट बंडल क्या देखने को मिलने वाले हैं? तो गाइस देख सकते हो ये बंडल्स होने वाले हैं हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में और जल्द ही अपडेट हो जाएंगे, हो सकता है कि इसी वीक अपडेट हो जाए या मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक अपडेट हो जाए। इसका मेल और फीमेल दोनों बंडल आ जाएगा गाइस, और ये बंडल ओपी है, बुरा नहीं है, ओपी बंडल है, अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, कोई बुरा बंडल नहीं है। मेरे पास शायद से ये है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने निकाला था कि नहीं निकाला था, बट आई थिंक सो है ये बंडल मेरे पास, और बहुत ही कूल लुकिंग है यार बंडल, जो भी बोलो बहुत ही कूल लुकिंग है, हल्का फुल्का सा एनिमेशन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मोस्ट प्रोबेबली यार इसका जैकेट अच्छा लगता है, तो अगर आप चाहो तो आप निकाल सकते हो मैजिक स्टोर में से, जल्द ही अपडेट हो जाएगा, थोड़ा सा नज़र रखना, पता चला अपडेट हो जाए और आप लोगों को पता ही ना चले। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हमारी इवोल्यूशन M1014 की और साथ ही साथ हमारे नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल की। बट गाइस, उससे पहले आप लोगों को मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, यार वीडियो अंदर देख रहे हो तो डेफिनेटली एंजॉय कर रहे हो, अगर एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई लीक्स अपडेट्स एंड इवेंट्स की वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी वीडियो नहीं मिस कर पाओगे, तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो कैसे बात करते हैं हम इवोल्यूशन M1014 की। तो गाइस, इवोल्यूशन M1014 हमें बहुत ही जल्द गेम के अंदर देखने को मिलने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली कि हमारा जो नेक्स्ट फेडेड व्हील इवेंट होगा वो इवोल्यूशन M1014 का ही होगा, मतलब 80% चांसेस है कि मिल जाए देखने को। और लिटरली बोलूँ तो मुझे ज़्यादा खास तो नहीं लगी M1014, बट अगर आप लोगों को पसंद आई हो और अगर आप लोगों को निकालनी हो तो गाइस 1100 डायमंड समथिंग लगते हैं, मतलब 1200 डायमंड मोटा मोटा पकड़ के चल लो, 1200 डायमंड समथिंग लगते हैं अगर आपको M1014 लास्ट में निकलती है तो। अगर पहले निकल गई तो आप लकी हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको M1014 निकालनी ही निकालनी है तो 1200 डायमंड कलेक्ट करके रख लो, क्योंकि यार 1200 डायमंड तो लगे ही जाएंगे अगर ये पहले नहीं निकली तो।
तो गाइस अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल। तो यार नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल क्या होने वाला है, तो गाइस 100% लीक नहीं आया, ठीक है ना। पहला लीक आया है जिसको मैं जज करके बता रहा हूँ। तो ये वाला बंडल हमें नेक्स्ट डायमंड रॉयल में देखने को मिल सकता है। वैसे बंडल की बात करूँ तो बंडल बहुत अच्छा है और मुझे 1% पहले ही लग चुका था कि शायद यही बंडल आएगा डायमंड रॉयल में, और उसी के हिसाब से अब लीक्स भी मिल गए हैं मुझे। तो गाइस ये हमें डायमंड रॉयल में देखने को मिल सकता है। जब मुझे 100% श्योरिटी मिल जाएगी तो इसकी वीडियोस में अलग से अपडेट कर दूंगा अपनी फ्यूचर वीडियोस में, जिसमें मतलब प्रूफ दे दूंगा कि यार देखो डायमंड रॉयल में आ रहा है। अभी ऐसा कोई डायमंड रॉयल वाला प्रूफ नहीं मिला है, सिर्फ एक लीक मिला है, न्यूज़ मिली है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो यही कुछ इवेंट्स एंड अपडेट्स जो गेम के अंदर बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो यार वीडियो कहीं रैप अप करते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट अपडेट क्या था। सो गाइस बाय बाय।